आनंद नगर स्थित कपास मंडी में इन दिनों चल रही कपास खरीदी के दौरान रोजाना हंगामे की स्थिति निर्मित हो रही है। यह हंगामा भारतीय कपास निगम CCI द्वारा रोजाना किए जा रहे नियमों में बदलाव के चलते हो रहा है। शुक्रवार को CCI ने ब्लॉक वार मंडियों में खरीदी का नियम लागू कर दिया। एक दिन पहले यह नियम लागू होने के चलते कई किसान आनंद नगर मंडी अपनी उपज लेकर पहुंच गए। मंडी में उपज लेकर पहुंचे कृषक संतोष पटेल सनावत ने आरोप लगाया कि CCI किसानों को नियमों का हवाला देकर खरीदी से बच रही है और अच्छी क्वालिटी का कपास होने के बाद भी मजबूर होकर उन्हें खुले बाजार में व्यापारियों को अपनी उपज बेचना पड़ रहा है। परसराम मंडलोई सुरेंद्र आरसे ने बताया कि व्यापारियों के साथ ही CCI के खरीदी दामों से भी किसान संतुष्ट नहीं है। कम से कम 8,000 रुपए से ऊपर में कपास की नीलामी होना चाहिए। व्यापारी मन्नालाल जायसवाल ने बताया कि मंडी में रोजाना सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खरीदी होती है। CCI ने 3 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा अब क्षेत्रीय मंडियों में खरीदी की बात कही जा रही है, जिससे मंडी में आवक कम हो रही है। इसका असर जीनिंग उद्योग पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कि पहले भाव अच्छा था कपास का, 7,000 से ऊपर जा रहा था, 7,200, 7,300, 7,800 से ऊपर। अभी 4-5-6 रोज से भाव भी डाउन हो गया, 6,200, 6,000 इसके आसपास है, जिसमें तो हमारी जो लागत है वो भी नहीं हमको मिल रही है। अभी वो भी नहीं खरीद रही नहीं, अभी पंजीयन तो उसमें पंजीयन है नहीं। तत्काल हम यहाँ पावती है कहीं लाल से, यहाँ तो जब हमको पता चलता है तो 3 महीने पहले हो चुका है, अभी थोड़ी हो रहा है नवे नए। मेरा नाम परसराम मंडल धुलकोट। सर CCI जैसे ले रही तो CCI ने जैसे अभी वो ऑनलाइन वो डाल दिया है कि भगवानपुरा और कसरावद और खरगोन के मतलब किसान यहाँ माल लाए, बाहर के माल ले लाए, ऐसा इस वजह से माता बच्ची भी हो गई थी। अभी रोक देते, बोले कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद में फिर सर आएंगे कलेक्टर साहब, तो फिर बोलेंगे क्या होता है मालूम पड़ता है। क्या भाव? अभी भाव चल रहा है 61,600-62,000 रुपए। कोप से को अच्छा है वो तो 65,600-66,000 रुपए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। CCI खरीद रही है बाकी, पर अपना कपास उस लायक नहीं है जो CCI खरीद सके। क्या नाम है आपका? नाम है सुरेंद्र आर से, बहादुरपुरा से। एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, भारत का किसान स्वतंत्र है, उसकी फसल वो कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो फसल पैदा कर रहा है तो वो कहीं भी बेच सकता है। उसमें शासन ने जो गाइडलाइन जारी करी वो पूर्ण रूप से निराधार है। इसमें किसान को ही भी वो नहीं है ताकि ये कहीं भी अपनी फसल ले जा सकता है। अगर मैं सनावत क्षेत्र से हूँ, मैं माल लाया हूँ, तो मेरा माल अगर CCI के लायक है तो उसने लेना चाहिए। मैं सनावत क्षेत्र का हूँ, सनावत मंडी में अगर मेरी इच्छा नहीं है, वहाँ व्यापारी नहीं सही लग रहा है, अगर मैं लाया हूँ तो मेरा माल लेना चाहिए। तो किसान अगर स्वतंत्र है, भारत देश में ये कृषि प्रधान देश है, तो शासन से मैं ऐसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से इसके पालन करें और हर किसान का माल खरीदे। अभी समस्या ये है, इन्होंने जैसे नियम करा है कि यहाँ पे भगवानपुरा गोगावा या कसरावत तहसील का ही माल CCI खरीदेगा, तो बाहर के आए हुए किसान क्या करेंगे या व्यापारी मनमानी करेंगे? अगर प्रॉपर ये कर दो खरगोन जिला, तो जिले का पूरा माल कहीं से भी आए, उसमें बेकन गांव है, सनावद है, बड़वा है, खरगोन जिले का पूरा खरीदना चाहिए। अगर जिले का आदमी बाहर जाएगा तो क्या होगा? अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं CCI से और शासन से यही निवेदन है कि खरगोन जिले में जितनी भी तहसील है सभी तहसील का माल CCI खरीदे, ताकि व्यापारी उनकी मनमानी नहीं कर सके। अगर बाहर का सनावद क्षेत्र का मैं ही किसान हूँ, अगर मेरा माल CCI नहीं लेगा तो व्यापारी तो मनमानी करेगा, उसके हिसाब से खरीदेगा, तो किसान का नुकसान है। और किसान को CCI के रेट में भी नहीं पूरा रहा है, अगर खर्चे देखे तो महंगाई के हिसाब से कम इस रेट में CCI तो खरीदे। मैं शासन से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि CCI हर किसान का माल खरीदे। क्या नाम है आपका? संतोष पटेल, सनावत तहसील से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।